Çadete çoban mı kala? Çadet çadet tez bakın. Atole, o plano é que junto muito na pegria nem muito. Ne andalıydı? Bayan. Bir tane ne bileyim, tamam. Bir bak bir yana da niye tamam oluyor? Zor şey bunu, şalakşa. Şalakşa. Tipo sultano futuro, mano. अब लड़ाई मत करना, हाँ, धक्के मत देना. आधे बच्चे इस साइड पे, आधे बच्चे उस साइड पे, और जो बच्चे नहीं कर सकेंगे अभी अगली दफा कर लेंगे, ठीक है? जिन जिन के पास ब्रश है वो हाथ ऊपर खड़े करो. शाबाश. तो ये वापस कैसे जाएंगे अब? वापस कैसे जाएंगे रान दीदी? चार बजा में. चार बजा. That kills. Come on. इधर ही करो खोड़े थोड़े नजदीक नजदीक करो लेकिन शाम को इस जरा करेंगे तो इसको साढ़े एक फिर वो बनाएंगे या कल उधर जाएंगे वो रणबीर का घर नहीं है उधर मैंने एक हाल भी बना चुका है आपको पता है
मैंने ये जो लोग उनको जो सुन्नत होते हैं ना मुसलमान लोगों का हमारा कलाशी उनका जो हमारा चौमोस में जो गोसलिक होते हैं उनके लिए मैंने फेडरल गवर्नमेंट से पैसा मांगकर एक कमरा उधर बनाया। कमरा बनाने के बाद ये लोग जो है उधर उसी रात गुजारेगा। बनाने के बाद मैंने ये किया कि मैंने बरमन साहब अभी चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी है सेक्रेटरी साहब वो डायरेक्टर कल्चर था वो यहाँ आया। मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि सर मैंने एक कमरा बनाया इसको प्रमोट करने के लिए मेरे पास वस नहीं है तो आप मुझे सर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कितना खर्चा है मैंने कहा कि 60,000। फिर उन्होंने इनकम टैक्स काटा कोई 60,000 से 6,000 कट लिया और 54,000 हमें दे दिया। तो उधर मैंने वायरिंग और कारपेटिंग वगैरह मैंने कर लिया। ये काफ़ी मतलब कि उसमें मैंने वो ये चीज़ कर लिया। आपको मैं कल दिखाऊँगा जरूर दिखाऊँ। हाँ कल मैं आपके साथ हूँ। तो बहुत शुक्रिया भाई शुक्रिया अल्लाह तेरा शुक्र। हाँ अब ये सेव करना है। सेव आप करो ना मुझे कुछ नहीं करना था। जितने दिन मैं हूँ तू मेरा सेक्रेटरी है। बिल्कुल इसको चार्ज करना फोटो लगाना फेसबुक आ जाता है इस पे। हाँ सर इधर वाईफाई है तुम्हारे पास? नहीं ना सर मैं तो सिम से करता हूँ। सिम तो ऊपर है इतना नीचे भी है। ये बनाने के लिए इसमें ना एक वो है इसको तार को यूं तोड़ते हैं तो वो रंग बिरंगी हो जाती है। ये इसका बेल्ट है। मछली पकड़ने वाला। अच्छा नहीं उधर जाके मछली नहीं पकड़ेगा ये हार बनाने के लिए। ये धागा है मोटा धागा ये टूटने वाला नहीं है धागा। ये कोई चीज इसके लिए बनाए ना तो ये टूटेगा नहीं। सिलाई का मशीन सिलाइयों का तीले ये मेरे लिए मैं देख रहा था वो एक चीज उसको तोड़ते हैं बच्चों को खेलने के लिए रख दी है। इसमें बहुत कुछ है बाकी सुबह करेंगे बाकी सुबह करेंगे।
ये गुब्बारे फुलाने का वाला है हां हां शरारत करने चलो अब इसको बंद कर दो बाकी सुबह करेंगे पाता I'm sitting with Imran who gave an interview about the origins of Kalash and I have researched for almost 40 years whatever he told us in an interview is very true because I have evidence that the Kalash headgear originated from a land called Siam which is in the west. Would you please tell us what do you think, where is Siam? In the songs and stories, it has to be in the west. Because all of our altars are, we pray facing towards the earth, towards the west. In all of our festivals and rituals, we have that direction is our sacred direction. Mm. Yes. We direct our prayers and offerings towards west. And it is believed that Siam is in the west. But do you know any particular thing or any particular song you can sing it in your own Kalasha mode? Yes, the holiest songs are not allowed to be pronounced in public. Yes, I know. And Siam is, yes. So most of the holy songs have Siam. Right. What is exactly the word Siam? We call it Siam. Siam. T-S-I-A-M. And can you just tell me in Kalasha mode? Don't sing the song, just say something for about 30 seconds. There is a ritual in spring when people are fed up of heavy rains. They say that we are going to migrate back to Siam because it's a holy land and there is no worries there. It's like the Hakuna Matata, you know?